हे गैस, कैसे हो आप सब? तो गैस आज के वीडियो में हम दो टॉपिक से रिलेटेड बात करने वाले हैं और इवन मैं सोल्यूशन देने वाला ये वीडियो में। तो डेफिनेटली वीडियो का एंड तक देखिए, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाला है। सबसे पहला जो प्रॉब्लम कुछ कुछ बंदे को अपने डिवाइसेस में देखने को मिल रहा है एक दो दिन में, वो आप देख पा रही है पॉपअप आ रहा है, वन वायरस फाउंड प्लीज़ रिमूव डेम इमीडिएटली। तो ये जो पॉपअप है कुछ कुछ डिवाइसेस में आ रहा है, जिसमें पीजीएमआई को वायरस बोला जा रहा है और इसको हटाने के लिए बोला जा रहा है। रीज़न बताया जा रहा है कि ट्रोजन वायरस हो सकता है, मालवेयर हो सकता है, जो कि आपका इन्फॉर्मेशन है उसको बोल सकते हो चोरी कर सकता है। तो ये चीज़ को डेफिनेटली जितना जल्दी हो सके रिमूव कर दो, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ com.pubg.im मोबाइल, तो ये फाइल जो है वो ओबीबी फाइल को बोला जा रहा है और ओबीबी फाइल को हटाने के लिए बोला जा रहा है। तो मैं आपको इसका सलूशन देने वाला हूँ, बट उससे पहले मैं आपको रीज़न बताने वाला हूँ, सो डैट आप लोग को डाउट नहीं होगा। सबसे पहले जो रीज़न ये है कि कुछ कुछ डिवाइस क्या करता है, रेगुलर बेसिस में जितना भी एप्लीकेशन मोबाइल में इंस्टॉल है ना, वो स्कैन करते रहता है और कोई भी एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर से लिंक्ड नहीं है ना, उसको एज अ वायरस कंसिडर किया जाता है। तो एग्जांपल के लिए अगर आप कोई रूट एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो या कोई भी थर्ड पार्टी क्रैक्ड वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, तो इस तरह का ही पॉपअप आता है, क्योंकि वो रेगुलर वायरस में देखता है कि वो जो एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो वो डिवाइस में वो प्ले स्टोर से कनेक्ट है कि नहीं, क्योंकि प्ले स्टोर एक तरह का बोल सकते हो ऑथेंटिकेशन देता है वो एप्लीकेशन का, वो सेफ है। तो वो चीज़ को चेक करते करते आप बोल सकते हो ये चीज़ आ सकता है कुछ कुछ डिवाइसेस में, और मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ नहीं आएगा। तो ये चीज़ का कुछ सलूशन नहीं है, जब तक प्ले स्टोर में गेम नहीं आता तो आपको ये पॉपअप दिखेगा। पर जो सेकेंड रीज़न देने वाला, उसका मैं सलूशन देने वाला। सेकेंड रीज़न ये हो सकता है कि जो जो बंदे जो रॉयल पास वाला फाइल डाले थे गेम के अंदर, तो उसके चलते ये पॉपअप आ रहा। तो इसको सिंपली करना ये है कि जो फाइल आपने डाला था फोल्डर के अंदर, उसको आपको डिलीट कर देना और उसके बाद गेम को एक बार रिपेयर करके गेम को लॉन्च करो, तो और ये प्रॉब्लम आपको नहीं देगा। तो और उसके साथ साथ सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि जो आप वर्जन चला रहे हो उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, और जो न्यू सेटअप है, अगर आपको नहीं पता सेटअप कहाँ से डाउनलोड करना है, तो मेरा टेलीग्राम में ऑलरेडी मैं बहुत पहले जो ऑफिशियल सेटअप है जो वेबसाइट में मिलता था उसको अपलोड करके रखा हुआ, इधर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा मेरा टेलीग्राम ग्रुप का। उसके बाद आपको ये ग्रुप में आना है ऐसे, और उसके बाद ऊपर ही आपको दिख जाएगा पिन मैसेज, आप देख पा रहे हो, इसमें आपको क्लिक करना होगा। इधर आप देख पा रहे हैं सेटअप आपको दिखाई दे रहा है, ये सेटअप 557 MB का जो फाइल है इसको डाउनलोड कर लीजिए, ये ऑफिशियल सेटअप ही है, और इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए तो और ये दिक्कत नहीं होगा। अगर वो फाइल के लिए दिक्कत हो रहा है, तो जो फाइल में बताया कि अगर आप रॉयल पास वाला फाइल डाले हो तो उसके बाद ये पॉपअप आ रहा, तो वो चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपके डिवाइस में इशू है, कोई भी बोल सकते हो एप्लीकेशन जो आप बाहर से डाउनलोड करते हो उसमें इशू देगा, तो उसका सलूशन नहीं है, क्योंकि जब तक प्ले स्टोर में नहीं आएगा तो उसको आप हटा नहीं सकते हो, ठीक है। तो वो आपके ऊपर फिर डिपेंड हो जाता है कि आप खेलना चाहते हो कि नहीं खेलना चाहते हो। और जो जो बंदे इसको पूरा डाउनलोड नहीं कर सकते, तो मैं एक छोटा टिप्स दे देता हूँ। आप जैसे पेस्ट किए थे फाइल, वो फोल्डर में वापस से चल जाइए, और उसके बाद अगर आपको फाइल समझ नहीं आ रहा कौन सा फाइल है, तो सिंपली सॉर्ट कर लीजिए। सॉर्ट करने से ये होता है कि जो जो टाइम में जो जो फाइल ऐड हुआ वो फोल्डर में वो दिख जाएगा, तो आपको तो याद होगा किस दिन आपने फाइल ऐड किया है, तो उस दिन का टाइम एंड डेट भी दिख जाएगा, तो वो फाइल को आप डिलीट कर लीजिए। उसका गेम के अंदर वापस से आइए, क्या जिसको लॉगआउट कर लीजिए, इधर आप देख पाए लॉगआउट क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद क्या आप ये कर सकते हो, रिपेयर में क्लिक कीजिए, रूटीन रिपेयर कीजिए, ओके कीजिए, रीस्टार्ट कर लीजिए, आपका गेम जो है वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये सब का झंझट लेना ही नहीं है, फोल्डर वोल्डर वापस जाना ही नहीं है, तो सबसे बेस्ट है कि गेम को अनइंस्टॉल कर लीजिए, वापस से न्यू इंस्टॉल कीजिए, कोई भी इशू नहीं होगा, ये प्रॉब्लम आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यही दो रीज़न है जिसके चलते जनरली बोल सकते हैं प्रॉब्लम आता है। सबसे पहला रीज़न होता है कि जो डिवाइसेस और रेगुलर बेसिस में जो एप्लीकेशन उसको बोल सकते हैं स्कैन करते रहता है, अगर वो एप्लीकेशन प्ले स्टोर में लिंक नहीं है तो वो उसको एज अ वायरस कंसिडर करता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो बाहर सब क्रैक्ट वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, वो आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलता, तो उसको एज अ वायरस ही कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो उस तरह का ये पीजीएमआई को भी एज अ वायरस कंसिडर कर रहे हैं, तो उस केस में जब तक प्ले स्टोर में गेम नहीं आ जाता तब तक ये पॉपअप दिखाई देगा। बट अगर वो पॉपअप सेकेंड रीजन के लिए आ रहा, जो फाइल आपने ट्रांसफर उसको किया, तो आप सबसे बेटर है कि आप गेम को अनइंस्टॉल कर दीजिए, नया से आप इंस्टॉल कर लिया फ्रेश, और उसके बाद आप इसको इंस्टॉल करके खेल सकते हो। अगर आपको iOS का प्रोसेस देखना है, iOS में कैसे डाउनलोड कर खेलना है, तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। होपफुली आपको पूरा समझ में आ चुका है। अभी हम लोग बात करते, सबसे पहले लॉगिन कर लेता हूं मैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रीमियम क्रेडिट के बारे में। ओके, अभी हम लोग आ चुके हैं गेम के अंदर वापस से, और अभी हम लोग बात करते हैं प्रीमियम क्रेडिट के बारे में। तो गाइस, आपको पता है कि मैं आपको तीन तीन प्रीमियम क्रेडिट दिखाया था, और ये जो सेकंड आज का जो प्रीमियम क्रेडिट है, जो कि सेकंड प्रीमियम क्रेडिट है ये वर्जन का, ये 29 डेज तक चलने वाला है,
और ये 29 डेज हम लोग का ये वर्जन में नहीं होने वाला, क्योंकि एक महीना से कम बचा है टाइम आपका नेक्स्ट वर्जन आने में, और ये प्रीमियम क्रेड 29 डेज तक चलेगा, तो तीसरा प्रीमियम क्रेड कैसे आएगा? तो गाइस जैसे लीक से पता चला कि तीसरा प्रीमियम क्रेड भी आएगा, मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा हो सकता है कि एक और आपको प्रीमियम क्रेड ये वाला सेक्शन में दिख जाए, जो कि कुछ दिन के लिए आने वाला है, क्योंकि जो थर्ड प्रीमियम क्रेड लीक होकर आया है वो यही वर्जन का प्रीमियम क्रेड है। अगर बाद में प्लान में चेंजेस होगा तो वो अलग बात है, बट ऐसा हो सकता है कि दो दो प्रीमियम क्रेड एक साथ चल सकता है, क्योंकि पबजी मोबाइल जनरली ऐसे ही करता है, दो दो प्रीमियम क्रेड एक साथ चला देता है। जैसे कि आप देख पा रहे स्क्रीन में दोनों प्रीमियम क्रेड अभी लाइव चल रहा है, उसके अंदर आप जाके चेकआउट कर सकते हो, वैसे ही बीजीएमआई भी कर सकता है। आखिर का कुछ दिन जब ये वर्जन का रहेगा तब वो एक और प्रीमियम क्रेड लॉन्च कर दे, और उसके बाद उसको भी आप ओपन कर सकते हो, ऐसा हो सकता है। बट जो फाइनल डिसीजन है वो ऑफिशियल डेवलपर ही जानते हैं कि कैसे वो लोग शेड्यूल किए या देना भी है कि नहीं, बट मैं आपको पॉसिबिलिटी बता दिया किस तरह का ये प्रीमियम क्रेड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक साथ दो दो प्रीमियम क्रेड भी चल सकता है, कोई इशू नहीं है, क्लासिक क्रेड भी दो दो चल सकता है जैसे वो लोग चाहते हैं। वैसे क्लासिक क्रेड केवल एक ही बचा हुआ, दो ही क्लासिक क्रेड आने वाला है, मैं आपको दिखा दिया था। चलो इतना रखते वीडियो को, थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।